आज आ गई है आप सभी की ड्रीम गर्ल। हमारे कहने का मतलब है आयुष्मान नुसरत स्टारर मूवी ड्रीम गर्ल। हर बार अलग कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट करने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो है आयुष्मान खुराना। विकी डोनर, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो या फिर आप ड्रीम गर्ल, सभी मूवीज में आयुष्मान सबकी अटेंशन का पॉइंट रहते हैं। लेकिन इस मूवी में आयुष्मान के साथ ठहाके का मसाला परोसने आई है नुसरत बारूचा। अगर आप राज संदालिया के डायरेक्शन में बनी ड्रीम गर्ल देखने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार नजर डालिए इस मूवी रिव्यू पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है मथुरा में रहने वाले करमवीर यानी आयुष्मान खुराना की, जो थिएटर के प्ले में सीता और द्रौपदी जैसे रोल करता है। लेकिन वो ये रोल अपनी लड़की की आवाज निकालने जैसे टैलेंट की वजह से करता है। लड़कियों की तरह अदाओं और सेक्सी वॉइस की वजह से करम को हमेशा प्ले में लड़कियों के ही रोल्स ऑफर्स किए जाते हैं। लड़कियों की आवाज निकालने की वजह से सीता मैया के नाम से करम के चर्चे हर जगह होने लगते हैं। लेकिन जल्द ही करम को यह एहसास होने लगता है कि छोटे मोटे काम से उसका खर्चा नहीं चलेगा, इसलिए वो निकल पड़ता है एक जॉब की तलाश में। लेकिन ज्यादा क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से करम को जॉब नहीं मिलती। लेकिन फिर थक हार कर करम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है और कॉल सेंटर में पूजा बनकर काम करने लगता है। करम कॉल सेंटर में पूजा बनकर बातें शुरू करता है तो लोगों को उसकी बातें इतनी पसंद आ जाती है कि वो इस पूजा के प्यार में पागल होने लगते हैं। अब पूजा के पास कॉलर्स नहीं बल्कि आशिकों की एक लंबी लिस्ट है जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करम की जिंदगी में दो लोग हैं, उसके फादर जगजीत यानी कि अनु कपूर और उसके जिगरी दोस्त स्माइल यानी कि मनजोत सिंह। और इसके बाद तीसरी एंट्री होती है माही यानी नुसरत बारूचा की, जिसे करम अपना दिल दे बैठता है। जैसे ही करम की जिंदगी सेट होने ही लगती है तभी करम यानी पूजा की वजह से उसकी लाइफ में तंटे शुरू हो जाते हैं और फिर मचा देते हैं बड़ी उथल पुथल। वेल, करम कैसे इन सब पछड़ों से निकलता है, इसके लिए आपको देखनी होगी आयुष्मान की ड्रीम गर्ल। अब बात करते हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले की। ड्रीम गर्ल का स्क्रीन प्ले काफी समझदारी से लिखा गया है। फिल्म में कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर कर देंगे। वही बात करें फिल्म में सभी किरदारों की तो सीधे तौर पर अगर इसे आयुष्मान की फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वही आयुष्मान के फादर के रोल में अनु कपूर ने अपनी संजीदा और हंसी दिलाने वाले अंदाज से एक अलग ही जगह बनाई है। बहुत सी जगह वो लाइमलाइट आयुष्मान से छीन कर ले जाते हैं। वही अभिषेक बैनर्जी अपने किरदार में बहुत सही बैठे हैं। अगर उन्हें थोड़ा और स्क्रीन टाइम दिया जाता तो वो कमाल कर देते। राज भंसाली का किरदार भी मजेदार है, विजय राज हमेशा की तरह कमाल रहे हैं। मनजोत सिंह को फुके के बाद दोबारा अच्छे रोल्स करते देखना काफी मजेदार रहा। वही पूजा की हीरोइन बनी नुसरत बारूचा को बहुत कुछ करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उन्होंने उसे बखूबी निभाया। इसके अलावा फिल्म में नजर आए बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी काफी अच्छा रहा है। वैसे अगर आप आयुष्मान के फैन हैं और एक अच्छी कॉमेडी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो आप ड्रीम गर्ल को देखने जरूर जा सकते हैं। फैमिली के साथ कंफर्टेबली देखी जाने वाली ये फिल्म आपको यकीनन एंटरटेन करेगी। हमारी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार।